हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको चारबाग बस स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर चारबाग बस अड्डा चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, यानी कि रोड के राइट साइड में आपको स्टेशन मिल जाता है। ये लेफ्ट साइड में ये पूरा बस अड्डा बना हुआ है, तो इसको जो है रोडवेज बस स्टैंड के नाम से भी बोला जाता है और चारबाग बस अड्डा के नाम से चर्चित है वहाँ पे। यहाँ पे आपको लखनऊ में आसपास जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं कवर होते हैं, और लखनऊ से 500 किलोमीटर की दूरी में जो भी डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं वहाँ के लिए आपको यहाँ से बस इजीली अवेलेबल रहती है। और यहाँ से कुछ ही थोड़ी दूरी पे आपको आगे आलमबाग बस अड्डा पड़ता है, तो कुछ बसें वहाँ से भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं। चारबाग बस अड्डे से आपको कई डिस्ट्रिक्ट की लगभग 20 से भी ज़्यादा जगह की आपको बसें जो है यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं, जिसमें से ज़्यादातर बसों की बुकिंग जो है ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन बुकिंग होती है। आपको या फिर टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा, या फिर आपको जो है बस के अंदर जो कंडक्टर रहता है उससे आपको टिकट जो है बस के अंदर ही मिल जाता है। तो कुछ जगह का मैं नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बस का टाइमिंग तो अलग है, तो टाइमिंग के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंक्वायरी काउंटर पर जाना पड़ेगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसमें है प्रतापगढ़, रायबरेली, लालगंज, भवानीगंज, हैदरगढ़, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, मुसाफिर खाना, उन्नाव, कानपुर, अयोध्या, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, दिल्ली, वाराणसी। तो लगभग 20 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की बसें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। बाकी बस स्टैंड पे आपको खाने पीने के लिए स्टॉल मिल जाता है, चाय मिल जाती है, स्नैक्स मिल जाता है। यहाँ पे पूछताछ के लिए काउंटर बना हुआ है, इंक्वायरी काउंटर पे आप मालूम कर सकते हैं। सामने आपको टोटो वगैरह लगे रहते हैं, तो यहाँ से अगर आपको कुछ बस नहीं मिलती है तो आप इंक्वायरी काउंटर पे पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। टोटो करके वो ई रिक्शा करके आप जो है आलमबाग बस स्टैंड अड्डे जा सकते हैं। तो बाकी जगह की बसें आपको आलमबाग बस अड्डे से मिल जाती हैं। तो वीडियो में बस इतना ही जानकारी थी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको विजिट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह के कंटेंट्स अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।